Cracking bras in Atlanta. Twisted hey. The V in the family. Hey. Credit cards and scams. Hey. Hitting the licks in the van. Hey. Legacy, family. Hey. Why is look like a panda? So, hello guys, welcome back to Respania. My name is Priyanshu and I'm back with another new and a fresh video. So, guys, today's video is very special because today we are going to review KTM Duke 125E. So, today's video, despite the sale details and specifications, I will share with you, including the pricing. And guys, video start करने से पहले I would like to thanks Siliguri KTM for providing me this beautiful bike ताकि मैं आप सबके लिए एक genuine review बना पाऊँ. सो गाइज, अगर आप KTM या Husqvarna की कोई भी बाइक्स देखना चाहते हो या किसी भी बाइक के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो. मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ का फुल कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा. सो अगर आप चाहो तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर आ सकते हो. सो या गाइज, चलिए अब अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं. सो गाइज, प्रेजेंटिंग यू द ऑल न्यू KTM ड्यूक 125. एंड गाइज, ये 125 सीसी की मोस्ट प्रीमियम एंड मोस्ट पावरफुल बाइक है हमारे इंडिया में टिल डेट. एंड मैं ऐसा ये क्यों बोल रहा हूँ वो आप वीडियो देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा. एंड गाइज, शुरू करते हैं बाइक्स के लुक्स के साथ. तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज अ ड्यूक 200 विथ अ 125 सीसी इंजन. इस बाइक का जो लुक है वो KTM ड्यूक 200 से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है. एंड अगर बात करें बाइक की फ्रंट लुक की, तो हमें इस बाइक में एक काफ़ी शार्प हेलोजेंट हेडलैम्प का सेटअप देखने मिल जाता है विथ दिस ब्यूटीफुल LED DRS, जो कि काफी ज्यादा ब्राइट होने के साथ साथ देखने में काफी अच्छी लगती हैं. उसी के साथ हमें इसमें मिल जाता है LED इंडिकेटर्स, जो कि काफी अच्छे क्वालिटी के हैं. एंड जिनकी जो बिल्ड क्वालिटी एंड द लाइटिंग क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है. एंड बाइक को एक काफी प्रीमियम सा लुक भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं. एंड यहाँ पे जो है वो आप अपना नंबर प्लेट को माउंट कर पाओगे. फिर गाइस, हम बढ़ते हैं बाइक के थोड़े नीचे की तरफ. तो ये रहा इस बाइक का मडगार्ड. सो हमें इस बाइक में एक काफ़ी छोटा और स्पोर्टी मडगार्ड देखने को मिल जाता है इन ग्लॉस ब्लैक फिनिश, जो कि बाइक के ओवरऑल लुक के साथ काफ़ी अच्छे से मैच करता है. एंड उसी के साथ हमें दोनों ही तरफ रिफ्लेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि रात के टाइम पे बाइकर्स की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छे से बढ़ा देंगे एंड देखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. और वहीं गाइस, अगर हम इसके अलॉयज देखें तो हमें इस बाइक में एक काफ़ी अच्छा और स्टाइलिश अलॉय देखने को मिल जाता है इन पियानो ब्लैक फिनिश, जो कि बाइक के लुक्स को काफी ज्यादा एनहांस करते हैं, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है. तो ओवरऑल गाइस, बाइक का जो फ्रंट लुक है भी काफी अच्छा और काफी स्टाइलिश है. फिर गाइस, ये रहा बाइक का साइड लुक. तो गाइस, इस बाइक में हमें काफी शार्प और अग्रेसिव लुक देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है. गाइस, हमें ये बाइक ड्यूअल टोन कलर के साथ मिलती है. एंड अगर बात करूँ कलर ऑप्शन की, तो हमें इसमें दो डिफरेंट कलर देखने को मिल जाएंगे. जैसे कि जो पहला कलर है वो है ये सेरेमिक व्हाइट, एंड जो दूसरा कलर है वो होता है इलेक्ट्रिकल ऑरेंज, जिसका जो फोटो है अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा. सो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगा. गाइस, अब हम बढ़ते हैं इस बाइक के टैंक के तरफ. सो इस बाइक का जो टैंक है भी काफी शार्प तरीके से डिजाइन किया गया है. इसमें आपको काफी सारे कट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि देखने में काफी अच्छे लगते हैं. एंड यहाँ पे जो है KTM ने ड्यूक 125 की ब्रांडिंग की हुई है, जो कि काफी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है. अगर हम इसके पैनल्स की बात करें तो वो भी काफी अच्छे क्वालिटी के हैं. एंड उसी के साथ आपको यहाँ पे काफी अच्छा अंडर थाई सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा. एंड गाइस, अगर हम बात करें इस बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, सो वो अब बढ़ाकर 13.5 लीटर का कर दिया गया है, जो कि आपके लॉन्ग राइड के टाइम पे आपको एक काफी अच्छा रेंज प्रोवाइड कर देंगे. एंड उसी के
साथ गाइज अब हमें टैंक पे ही की माउंट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अपने आप में काफी यूनिक और नया लगता है। सो ओवरऑल टैंक का जो डिजाइनिंग है वो भी काफी अच्छे तरीके से किया गया है। ये रहा इस बाइक का हैंडल बार, जो जिसकी जो पोजीशनिंग है वो काफी अच्छे तरीके से की गई है, ताकि हमारे राइडर को एक काफी कंफर्टेबल और अपराइट राइडिंग पोस्चर मिल सके। एंड यस गाइस, ये बाइक में अभी साइड मिरर नहीं लगा हुआ है, क्योंकि बाइक अभी शोरूम में आई है। एंड अगर बात करूँ इस बाइक के स्विच गियर्स की, तो वो भी काफी अच्छे क्वालिटी के हैं, हमें काफी अच्छी फिनिशिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड अगर बात करूँ मैं क्लच की, तो हमें इस बाइक में काफी लाइट क्लच देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड उसी के साथ गाइस अब हम बढ़ते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। सो हमें इस बाइक में एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है, जो कि फुल्ली लोडेड है। इसमें को बहुत सारे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गॉज, एबीएस लाइट्स, लो ऑयल इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर एंड मेनी मोर। सो गाइस आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फिर गाइस हम बढ़ते हैं इसके सीट की तरफ, तो हमें इस बाइक में स्प्लिट सीट देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़े स्टिफर साइड्स पे हैं। बट गाइस अगर हम इसके पुराने वाले ड्यूक 125 से कंपेयर करें, सो न्यू स्टैनी के साथ फॉर बोथ पिलियन एज वेल एज राइडर, जो सीट का जो एरिया है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है। हमें अब ज़्यादा स्पेस मिलता है फॉर बोथ राइडर एज वेल एज पिलियन, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जिसके कारण हमारा राइडर और पिलियन काफ़ी देर तक काफ़ी कंफर्टेबली इस पर राइड कर सकता है। एंड ये रहा इस बाइक का ग्रैब रिल्स, जो कि काफ़ी ब्रॉड एंड काफ़ी पर्पसफुल है। गाइस ये रहा इस बाइक का पाउडर कोटेड स्टील ट्रेलिस फ्रेम, जो कि अगेन आपको ड्यूअल टोन कलर में मिलेंगे, ब्लैक एंड ऑरेंज, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड गाइस फ्रेम्स की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी होते हैं, जिसके कारण बाइक का जो पावर टू वेट रेशियो होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। एंड यहाँ पे अगेन आपको KTM का एक छोटा सा स्टिकर देखने को मिल जाएगा। एंड उसी के साथ गाइस हमें इस बाइक में कंपनी फिटेड ही एक काफ़ी अच्छे क्वालिटी का लेग गार्ड मिल जाता है, जो कि अगर आपका कभी क्रैश होता है तो आपके बाइक को एंड आपको भी अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेगा। अगर हम थोड़ी नीचे की तरफ आते हैं, तो हमें यहाँ पे मिलता है एक इंजन काउल, जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है। एंड ये रहा इस बाइक का कैटेलिटिक कन्वर्टर, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर है इस बाइक का रेडिएटर। गाइस अगर हम थोड़ी पीछे की तरफ आते हैं, तो ये रहा इस बाइक का एग्जॉस्ट। सो हमें इस बाइक में अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है, जो कि देखने में काफी अच्छा और काफी यूनिक लगता है। एंड ये रहा गाइस इस बाइक का एल्यूमिनियम स्विंग आर्म। सो यस गाइस, हमें इस बाइक में एल्यूमिनियम स्विंग आर्म भी देखने को मिलता है, जो कि एक 125 सीसी के बाइक के लिए काफी अच्छी बात है। फिर गाइस हम आ चुके हैं बाइक के दूसरे साइड की तरफ, तो ये रहा इस बाइक का सिंगल स्टैंड। एंड KTM की हर बाइक की तरह हमें इस बाइक में भी डबल स्टैंड देखने को नहीं मिलता है, बट गाइस हमें इस बाइक में हाइट स्टैंड सेंसर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड ये रहा गाइस इस बाइक का सारी गार्ड। पीछे से ये बाइक कुछ इस तरीके की दिखती है, जैसा कि आप देख सकते हो। हमें इस बाइक में फुल LED टेल लैम्प देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से डिजाइन गया है एंड काफ़ी ब्राइट भी है। एंड ये रहा इस बाइक का रेयर मडगार्ड। मडगार्ड पे ही LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड यहाँ पे आप अपना जो रेयर नंबर प्लेट है वो माउंट कर पाओगे। एंड यहाँ पे भी आपको एक KTM का स्टिकर मिल जाएगा, एंड सेम हमें दूसरे साइड पे भी देखने को मिल जाएगा। सो KTM ने काफ़ी जगह पे अपनी ब्रांडिंग की हुई है इस बाइक पे। उसी के साथ गाइस हमें इस बाइक में एक काफ़ी अच्छे साइज़ का एक टायर हगर देखने को मिल जाता है, जो कि आपके पिलियन को मड से बचाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड ये भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है। गाइस ओवरऑल बाइक का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा है। सो KTM ने हमें इस बाइक में काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी यूथफुल डिज़ाइन दिया हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी गाइस लुक्स जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, हर किसी का पसंद अलग अलग होता है। बट अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, तो मुझे इस बाइक का जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। काफ़ी एक हेड टर्नर डिज़ाइन आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। लुक्स वाइज अ ग्रेट थम्स अप टू KTM ड्यूक 125। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं इस बाइक के इंजन एंड परफॉर्मेंस की तरफ। सो हमें इस बाइक में 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल FI इंजन मिल जाता है, विद 6-speed ट्रांसमिशन, जो कि 14.7 bhp का मैक्स पावर एंड 12 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। 6-speed ट्रांसमिशन एंड फ्यूल इंजेक्शन होने के कारण आपको इस बाइक से एक काफी स्मूथ और रिफाइंड परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि हमें इस बाइक में लिक्विड कूलिंग देखने को मिल जाता है, जो कि सबसे एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम होता है किसी भी बाइक में। सो आपको इस बाइक में हीटिंग का भी कोई इश्यू नहीं आने वाला है। एंड यहाँ से जो है गाइस आप अपना कूलेंट जो है वो फिल कर पाओगे। फिर गाइस हम बढ़ते हैं इस बाइक के सस्पेंशन सेटअप की तरफ। तो हमें इस बाइक में फ्रंट में WP की तरफ से 43mm का USD फोक्स देखने को मिल जाएगा, जो कि बेस्ट इन सेगमेंट है। एंड अगर बात करो रेयर की, तो रेयर में आपको
डब्ल्यू पी की तरफ से ही मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। सो सस्पेंशन वाइज भी गाइज ये बाइक काफ़ी प्रीमियम लगती है एंड आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर देंगी। गाइज हम बढ़ते हैं इस बाइक के ब्रेक्स एंड टायर्स की तरफ। तो हमें इस बाइक में फ्रंट में एक 300 mm का सिंगल डिस्क मिल जाएगा। एंड यस गाइज ये बाइक हमें सिंगल चैनल ABS के साथ मिलती है, जिसका मतलब जो ABS है वो सिर्फ हमारे आगे के ब्रेक्स के साथ ही काम करेगा, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड उसी के साथ गाइज आपको यहाँ पे बाइब्रे की ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिलेंगे विथ स्टील ब्रीडेड ब्रेक लाइंस, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइज अगर हम पीछे की तरफ आते हैं तो हमें यहाँ पे एक 230 mm का सिंगल डिस्क मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको रेयर लिफ्ट प्रोटेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे भी आपको स्टील ब्रीडेड ब्रेक लाइंस ही देखने को मिलेंगी, जिस बाइक को काफ़ी प्रीमियम टच देती है, जो कि ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड इस बाइक से आप एक काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर बात करें टायर्स की, तो हमें इस बाइक में रेयर में 150x60x17 का रेयर टायर देखने को मिल जाता है, जो कि MRF की तरफ से है, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड अगर हम बात करें बाइक के फ्रंट टायर की, तो हमें इस बाइक में फ्रंट में 100x10x70x17 का फ्रंट टायर देखने को मिल जाएगा। एंड ये भी आपको MRF की तरफ से ही देखने को मिलेंगे। सो काफ़ी अच्छे और काफ़ी ब्रॉड टायर्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छा ग्रिप प्रोवाइड कर देंगे। एंड उसी के साथ गाइज हमें इस बाइक में 154 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, वो 822 mm का सीट हाइट मिल जाता है एंड 159 kg का कर्ब वेट देखने को मिल जाता है। एंड अगर बात करूँ मैं इस बाइक की माइलेज की, सो इस बाइक से आप 45 km/h के आसपास का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा नंबर है। एंड इन लास्ट अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की, जो कि सबसे मेन टॉपिक है, तो इसका प्राइसिंग सिलीवरी के बेसिस पे ये आपको पड़ेगा समवेयर अराउंड 1,75,000 के आसपास, जो कि आप में से बहुत लोगों को एक 125cc के बाइक के लिए काफ़ी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि गाइस जितना पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो अकॉर्डिंग आपको इसमें उतना ज़्यादा पावर हमें देखने को नहीं मिलता है। बट गाइस वहीं हमें इस बाइक में कुछ बहुत ही सारे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, ग्रेट लुक्स मिल जाता है एंड बहुत ही सारे प्रीमियम कॉम्पोनेंट्स मिल जाता है, जो कि इस सेगमेंट में और किसी भी बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस बाइक की। एंड ओवरऑल बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है एंड दैट इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम KTM। अगर आप कोई ऐसी बाइक लेना चाहते हो जिसमें आपको काफ़ी अच्छा लुक मिल जाए, काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाए, अच्छा माइलेज मिल जाए, बहुत सारे प्रीमियम कंपोनेंट्स मिल जाए एंड आप नॉर्मल सिटी में राइड करते हो, सो गाइज ये बाइक आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। एंड अगर आप ये बाइक लेने के लिए सोच रहे हो, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। दैट्स इट गाइज, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। एंड अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या अगर कोई भी ओपिनियन हो जो आप मुझे देना चाहते हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए और फ्रेश व्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए राइड सेफ एंड टेक केयर, बाय।